नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन एमएस एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। सबसे बात करते हैं हम हाइपरलिंक। दोस्तों अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर लिंक ऐड है, उस लिंक के क्लिक करने पर आप किसी वेब पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या आप उस टेक्स्ट पे जो भी लिंक ऐड है उस पर क्लिक करने पे आप इंटरनल जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आपके सिस्टम के अंदर वहाँ पे आप चले जाएं, तो हम उसको हाइपरलिंक बोलेंगे। अब हाइपरलिंक हम कैसे ऐड करते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो शॉर्टकट की बात करेंगे कि शॉर्टकट की इसका होता है कंट्रोल के। जैसे आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस। आपके सिस्टम में जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल्स हैं या जो वेब पेजेस हैं उनका आप यहां पे लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे अगर हम इस डॉक्यूमेंट्स में बात इस डॉक्यूमेंट की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने शीट 1, 2, 3 शीट कर रखी है, ये इंडेक्स बना रखा है। अगर मैं सीट 1 पे क्लिक करूँ तो सीट 1 पे आ जाए, सीट 2 पे आ जाए, सीट 3 पे आ जाए यहाँ पे क्लिक करने पे, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिंक कर सकते हो। क्रिएट न्यू फाइल डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से नई फाइल बना के उसको लिंक कर सकते हो। ये हम इस वीडियो में वन बाय वन करके देखेंगे। पहला तरीका तो था हमने शॉर्टकट की कंट्रोल के। दूसरा तरीका है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिंक ऐड करना है सीट 1 का, तो आप राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा तरीका है, आप इस पे सेलेक्ट करें सेल को, इंसर्ट में जाएं। जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पर आपको हाइपरलिंक दिख रहा है, हाइपरलिंक। तो अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे सबसे पहले प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करना है, सीट 1 पे ये लिंक ऐड करना है मुझे, और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें रेफरेंस सेल नंबर डालते हैं, तो आप A10 कर देंगे, तो जैसे आप सीट 1 पे क्लिक करेंगे ये आपको सीट 1 में लेके जाएगा और उसमें A10 सेल पे लेके जाएगा आपको। तो जैसे मैंने मान लीजिए अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके ये जाएगा आपके सीट 1 पे और रेफरेंस सेल क्या था A10, तो ये A10 पे आपको लेकर आ गया है। इसी प्रकार से आप सीट 2 का भी ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे हाइपरलिंक, ठीक है, और इसमें आप यहाँ से सीट 2 का ऐड कर लेंगे, रेफरेंस नंबर आपको जो देना है वो डाल सकते हैं आप सेल का, ओके कर देंगे। सीट 3 का आप इस पे से हाइपरलिंक ऐड करेंगे, सीट 3 ले लेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये तो ऐड करने की बात होगी, मान लीजिए आपको हाइपरलिंक रिमूव करना है, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करके आप इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से हाइपरलिंक रिमूव भी कर सकते हैं। मैं वापस ऐड कर देता हूँ अभी और सीट 3 को इसमें ऐड कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं जैसे एग्जिस्टिंग पेजेस, एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ये google.com पे चला जाए, तो आपको राइट क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे जाना है, यहाँ से आपको अब इसमें लेना है www.google.com, ठीक है, और इसको ओके कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको कहाँ ले जाएगा, google.com पे ले जाएगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी वेब पेज को इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं न्यू फाइल की कि आप न्यू फाइल कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल। अब आपको सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे उसका जो भी पाथ है वो लेना है, मैं अभी डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे फाइल का नाम, ठीक है। अब मैं जैसे फाइल का नाम मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले लिया इसका, ठीक है, और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि इसको आप अभी एडिट करना चाहते हैं तो नाउ वाला चेक रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे, नहीं करना है तो आप इसको बाद में कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो ये इस पे एड हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी मैंने हाइपरलिंक जो फाइल बनाई थी वो यहाँ पे बन गई है ऑलरेडी, और आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी आपके यहाँ से, ठीक है। तो ये आप यहाँ नई फाइल बना सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, कोई आइकन है, उसको आप कैसे लिंक कर सकते हो इस वीडियो इसमें, वो भी हम देखेंगे।
सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोई शेप ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये शेप ले लिया है, ठीक है। अब मुझे इस पे मान लीजिए कोई लिंक ऐड करना है, तो वही राइट क्लिक करना है और हाइपर लिंक पे जाना है। यहाँ पर मान लीजिए मुझे अब देना है फ्लिपकार्ट का, ठीक है। और मैं आप देखेंगे, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपको कहाँ ले जाएगा, फ्लिपकार्ट वाली पे जो वेबसाइट है वहाँ पे लेके चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इमेज पे यहाँ पे कोई भी वेब पेज का या आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स का या न्यू फाइल का भी आप लिंक इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और रह गया है, ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन टिप, ये जो भी आ रहा है जैसे आप इस पे कर्सर लेके जा रहे हैं और ये www.flipkart, अगर ये आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको उस पे राइट क्लिक करना है, एडिट हाइपर लिंक पे जाना है और ये स्क्रीन टिप आ रहा है यहाँ पर, आप जैसे अब यहाँ पे अब फ्लिपकार्ट शो करना है तो आप इस पे ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप जैसे इस पे कर्सर जैसे फ्लिपकार्ट आ गया तो स्क्रीन टिप आप वहाँ से जाके भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसमें जो जैसे अभी एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस का कैसे लिंक ऐड कर सकते हैं हाइपर लिंक, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैसे आप इंडेक्स बना के पर्टिकुलर उसमें जितनी भी शीट्स हैं आपके पास, मान लीजिए अगर एक वर्कबुक के अंदर आपके पास 20 शीट हैं तो आप उसकी इंडेक्स बना के उस पर लिंक करके इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, नई फाइल बना के उसको भी आप लिंक कर सकते हैं, किसी आइकन पे कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको वन बाय वन बता दिया। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।